मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने एक और मौका जो हमें दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय का 3रा वचन हम पढ़ें। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सारी दुनिया ने कल का दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन को मनाया और अब वापस अपने दैनिक जीवन में फिर व्यस्त हो गए, क्योंकि यह संसार लोगों को तात्कालिक चीजों से आकर्षित करता है और मनुष्य कठिन मेहनत करता है ताकि अपने जीवन के लक्ष्य को पाए। उसके लिए वो अपना ज्ञान और अपनी खूबियों का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ वो परमेश्वर की भी सहायता चाहता है ताकि वो अपने जीवन में सफल हो। मनुष्य धार्मिक बातों में भी अपने आप को व्यस्त रखता है, रीति रिवाजों का पालन करता है ताकि परमात्मा को खुश करें, क्योंकि उसे मालूम है उसका बनाने वाला एक है। बेशक मनुष्य सोचता है कि वो स्वयं पर्याप्त है और अपने जीवन में जो चीजें पाई हैं उसमें वो तृप्त होना चाहता है, तो भी अंदर उसकी अंतरात्मा में वो अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक संबंध चाहता है, क्योंकि यही बात उसे सही शांति दे सकती है और अपने आत्मा की प्यास को बुझा सकती है। नया साल अब जब नजदीक आ रहा है, हर कोई चाहता है कि अगला साल आशीष का हो, जीवन में संघर्ष ना हो, कष्ट ना हो जो इस साल हुए। यहां तक कि विश्वासी भी नए साल में प्रवेश करने के पहले उपवास और प्रार्थना में समय बिताते हैं ताकि उनका नया साल भी बहुत आशीषित हो। अनजाने में वो भौतिक आशीषों की उम्मीद रखते हैं आत्मिक आशीषों से बढ़कर। हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु इस संसार में आया ताकि हमें अनंत जीवन दे। मसीह यीशु ने अपना स्वर्गीय महिमा को छोड़ा अनंत जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। वो मनुष्य का रूप धारण किए। परमेश्वर ने कभी इस संसार में एक भौतिक आशीषित जीवन का वायदा नहीं किया ये दुष्ट और पाप भरे दुनिया में, क्योंकि ये पृथ्वी थोड़ी देर का है और परमेश्वर ने मनुष्य को एक मौका दिया ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को चुने। परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते हैं, हमें मालूम चलता है कि जब परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी के विषय में पूरी हो जाएगी तो ये पृथ्वी को नाश कर एक नया पृथ्वी आएगा। सो परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें अनंत जीवन के उस महत्व को समझना है जो हमने परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत से पाया है। एक गंभीर विषय जो हमने समझना है कि हमें अनंत जीवन परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है। हम अयोग्य बर्तनों के लिए परमेश्वर का यह बड़ा दान है। एक व्यक्ति यह अनंत जीवन तभी पा सकता है अगर वो पाप से छुटकारा पाए। जब पाप एक व्यक्ति के जीवन में राज्य करता है, व्यक्ति उसका गुलाम है और वो अपने आप को खुश करने के काम करता है, बेशक परमेश्वर दुखी हो। और परमेश्वर के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ जब संबंध टूटा है, तब मृत्यु का हमारे जीवन में राज्य होता है पाप के द्वारा, जिसके कारण हम जीवन देने वाले परमेश्वर से हम दूर रहते हैं। परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था के द्वारा हमें मालूम चलता है कि जब तक एक व्यक्ति पाप से छुटकारा ना पाए, वो परमेश्वर के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकता। इसीलिए मसीह यीशु हमारा उद्धारकर्ता इस संसार में आया ताकि हमें पाप से छुड़ाए और पाप की माफी के लिए प्रायश्चित बने, ताकि हमारे जीवन में एक नया जीवन आरंभ हो। क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर से जब जुड़े हैं मसीह यीशु के द्वारा, मसीह में एक नया जीवन आरंभ होता है। और नया जीवन का मतलब पाप से और दुष्टता से मुक्ति, वही है अनंत जीवन की बहुतायत। और इधर हमने जैसे वचन में पढ़ा है, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक व्यक्ति परमेश्वर को तभी जान सकता है अगर वो पाप से आजाद हो। जो कोई व्यक्ति पाप को प्यार करता है
परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। एक पापी व्यक्ति जो पाप के अधीन है, उसे मालूम तो है परमेश्वर है, परमेश्वर उसका सृष्टि करता है, लेकिन उसकी आंखों को दुश्मन ने अंधी की है, क्योंकि दुश्मन पाप के द्वारा उसे अपने अधीन रखा है। वो परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को समझ नहीं पाता। उसके लिए परमेश्वर एक दिव्य शक्ति है जो उसकी इच्छाओं को पूरी करेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाता है मसीह यीशु के द्वारा, तब तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उसके हृदय में चमकता है और मसीह यीशु के बारे में पवित्र आत्मा उसे सही ज्ञान देता है और उसके जीवन को पूरा बदल देता है, और वो ज्ञान और समझ में, परमेश्वर के ज्ञान और समझ में बढ़ता है, और ये काम परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में करती है, और परमेश्वर का यह ज्ञान उसके जीवन को अंदर से बदलता है, उसकी सोच को बदलता है, उसके जीने का ढंग को बदलता है, उसके बात करने का तरीका, उसके दूसरों के साथ का व्यवहार, उसके जीवन के हर क्षेत्र को बदलता है। और लोग ये देख सकते हैं कि सुसमाचार ने उनके जीवन में जो बदलाव लाया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु को जाना है, जिसने पाप से छुटकारा पाया, वो आगे को पाप नहीं करेगा। अगर वो अपने दैनिक जीवन में, आत्मिक जीवन में ध्यान से नहीं चले, तो शैतान के परीक्षा में फंस सकता है, उलझ सकता है और गिर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हमारे साथ है, जो हमें सही मार्ग में चलाए। एक व्यक्ति जिसके अंदर अनंत जीवन है, वो पवित्रता को प्यार करेगा, क्योंकि उसे मालूम है पवित्रता के बिना वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आइए हम अपने जीवनों को जांचें। बोलते तो होंगे हम पाप से छुटकारा पाए, लेकिन क्या हम पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, क्या उसकी पहचान में हम प्रतिदिन बढ़ते हैं? क्या हमारे अंदर सिद्धता की वो इच्छा है जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, या केवल हम यीशु मसीह को चंगा करने वाला और भौतिक आशीषें देने वाला, हमारी समस्याओं से को सुलझाने वाला कर हम देखते हैं? आइए हम अपने आप को धोखा ना दें। परमेश्वर के राज्य के विषय में हम अज्ञान ना रहें, पाप से हम नफरत करें, पाप से हम दूर रहें, ताकि हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ें और हमारा जीवन पवित्र परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करे, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं और अंधेरे भरे दुनिया में हमने प्रकाश देना। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। इस अनंत जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो हमें दान में आपने दिया है। पिता, आपके इस उद्धार के दान के कीमत को समझते हुए, पाप से नफरत करते हुए, आपके और करीब आने के लिए, आपके स्वभाव को और करीबी से जानने के लिए, हम एक एक को मदद करें। हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली और आपके नाम के महिमा का कारण हो। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।